हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभी पहुंचा हूं मेट्रो स्टेशन और अपने फ्रेंड को लेने मैं जा रहा हूं कश्मीर। थोड़ी देर में वो भी बस स्टैंड पहुंच जाएगा और अच्छा लग रहा है। आज वो घर से मेरे लिए कुछ सामान लेके आएगा, मैंने उसे कुछ घर से सामान मंगवाया था तो जा रहा हूं अभी उसको लेने। दूसरी बात ये है कि दिल्ली में वैसे तो मास्क वगैरह पहनना ज़रूरी नहीं है, पर अगर मेरे आप यहाँ पे दिल्ली मेट्रो में भी देखोगे तो बहुत सारे लोग हैं, 90% लोग हैं, वो भी मास्क वास्क सब पहन रहे हैं। ये अच्छी बात है ताकि अगर कोई भी सिम्टम अभी किसी को फिर से हो तो उस चीज़ को एलिमिनेट किया जा सके। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे थोड़ी देर में कश्मीर के। अभी मैं पहुंच चुका हूं कश्मीरी गेट और उसकी बस भी यहां पे अभी पहुंचने वाली है, फ्रेंड पहुंचता ही होगा। दिल्ली के बारे में एक बात है, अगर दिल्ली में कोई इंसान बाहर से आता है तो दिल्ली में कहीं पे भी ट्रेवल करना है वो बाय मेट्रो इजीली कर सकता है। दिल्ली में सबसे इजी ट्रांसपोर्टेशन है मेट्रो, ना ही मेट्रो में इतनी ज़्यादा भी भीड़ है और एसी रहती है तो आपको ज़्यादा गर्मी में भी नहीं रहना पड़ेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेट्रो के मतलब आप यहाँ पे कैसे ट्रेवल करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेट्रो का टिकट घर, मतलब यहाँ पे मिलते हैं टोकन। जो लोग जिनको सिर्फ सिंगल ही जर्नी करनी है कि अभी आएंगे और यहाँ से चले जाएंगे फिर बाद में वापस कभी आएंगे नहीं, उनके लिए तो ठीक है कि वो एक टोकन ले सकते हैं। पर अगर यहाँ पे जैसे मैं हूँ, मुझे डेली मेट्रो में ट्रेवल करना होता है तो उसके लिए यहाँ पे एक और कस्टमर केयर सेंटर बना है। ये देखिए, तो यहाँ पे बनते हैं मेट्रो कार्ड, तो मेट्रो अपना कार्ड बनवा लीजिए। 150 या 200 के आसपास का वो कार्ड बनता है जिसमें आपको 150 आपको बैलेंस मिल जाता है। तो बेटर है कि डेली मेट्रो में अगर आपको ट्रेवल करना है और यहीं पर रहना है काफ़ी समय या घूमना है 4-5 दिन, तो आप अपना एक मेट्रो कार्ड बना लीजिए और मेट्रो कार्ड के थ्रू आपको लाइन में भी खड़ा नहीं होना पड़ेगा। सभी मेट्रो स्टेशन पे खाने पीने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर कोई इंसान बाहर से कुछ खाने का टाइम ना मिले तो मेट्रो स्टेशन पे आके भी वो आके कुछ भी खा सकते हैं। अभी जैसे मैकडी था, ये सामने एक स्टॉल लगा है और इस तरह से लगभग आपको हर ही एक मेट्रो स्टेशन पे ही कुछ ना कुछ स्टॉल मिल जाएंगे जिससे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें खाने के लिए मिल जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है ये है यहाँ का बस स्टैंड, दिल्ली का कश्मीरी गेट। मैं अभी कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के पास ही हूँ, बिल्कुल इसके बस स्टैंड के नियर बाय ही मेट्रो स्टेशन भी है। ये है दिल्ली का ISBT कश्मीरी गेट, कुछ इस तरह से दिखता है जो मैं आपको भी मेट्रो गेट के शीशे से दिखा रहा था। तो इसके अंदर इस तरह से एस्केलेटर्स वगैरह बने, वहाँ सामने से जो एंट्री और एग्ज़िट है वो डायरेक्ट सीधी मेट्रो के लिए जाती है। और एक यहाँ पे एक नया कुछ समय पहले ही एक पुल बना है, मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ से हम क्योंकि बसें जो है वो बस स्टैंड के अंदर नहीं उतारती है सवारियों के सिक्योरिटी वजह से, तो उनको बाहर ही उतारती है। तो ये मेन रोड से सीधा एक कॉरिडोर बना है जिसमें से हम अंदर आ सकते हैं, क्योंकि हमको अपना सामान वामान सब चेक करवाना पड़ता है तो उधर से अंदर आते हैं और यहाँ से हमको एंट्री मिलती है बस स्टैंड। अब उसी कॉरिडोर पे मैं निकला हूँ बाहर, तो आप देख सकते हो ये पीछे मेरे एक कॉरिडोर है और मैं यहाँ से भी बाहर आया हूँ क्योंकि जो फ्रेंड है वो भी सामने से मेरा आएगा क्योंकि बस वाले ने उनको भी बाहर उतार दिया है। अभी हम लोग पहुँचे हैं फ्रेंड MG रोड और अब हम जाएंगे यहाँ से रूम, क्योंकि बाहर हो रही है गर्मी और मरने के काम। ये लगा है बंदा अपने घर पे बात करने, ये इसका लड़का छोटा ही देश निक बेबी। यहाँ पे एक चीज़ और लगी है, अगर कोई बी प्राक का फैन है तो 15 जून को उसका यहाँ पे शो भी है, तो आइए फ्रेंड्स गुड़गांव में और शो ज़रूर इंजॉय करें। फ्रेंड्स हम लोग पहुँचे हैं रूम और अभी हितेश गया नहाने और मेरे लिए वो घर से लेके आया है आड़ू।
इसे कहते हैं पीच। मुझे बहुत ही मन था कि मैं आड़ू खाऊं, तो आज ये घर से आ रहा था तो मैंने घर पे बोला था अपने ब्रदर को कि इसके हाथ में आड़ू भिजवा दे मुझे। अभी वो नहाने धोने गया है, फ्रेश होने गया है, तो मैं भी इसके बाद आऊँगा नहाने धोने। तो हम लोगों ने बनाया प्रोग्राम, अब लोकल मार्केट में जाएंगे। ये भी ट्रेवल करके आया है, काफ़ी टाइम लगता है घर से पहुँचने में। नहाते हैं धोते हैं, थोड़ी अपनी शक्ल सुधारते हैं और फिर जाएंगे थोड़ा घूमने खाने पीने। आपसे भी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स, हम लोगों ने खाना भी खा लिया है, खाना खा के हम आए अभी घूमने थोड़ा सा MG रोड मेट्रो स्टेशन के पास, क्योंकि घर में बैठ बैठ के भी अंदर गर्मी से मर गए थे। रोटी भी ज़्यादा खा लिए तो थोड़ा पच जाएगी रोटी आज। वॉकिंग ज़रूरी होती है ना? ज़रूरी है, मतलब रोटी खाने के बाद ना घूम फिर लेना चाहिए। तो अब हम जाएंगे रूम और फिर थोड़ी देर नाचेंगे गाएंगे। आज नाटी करेंगे हम लोग, आज हितेश डांस करेगा और मैं इसकी रिकॉर्डिंग करूँगा। रंगारंग प्रोग्राम होएगा आधा पौने घंटे का। ठीक है ना, देखते हैं। हाँ, इसने बोल दिया कि चलो ठीक है, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में रूम पे आपसे। खाएंगे हम आइसक्रीम खाना खाने के बाद, ठंडा ठंडा कुछ हो जाए। अच्छी सी खिलाइयो कुछ यार, क्या ऐसा कंजूसी नहीं करना 10 रुपये वाली। ठीक है, है 10 रुपये वाली नहीं, नहीं। और ये मेरी ले लिए इसने राजभोग कुल्फी, राजभोग कुल्फी मेरे लिए और बस। और तेरे लिए यही पक्की बात है? दो 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 खानी देना, देखना वे भाई जी आ रहा है। नमक ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है ऐसे बोल रहा है बंदा। 1:30 तो वो डांस करेगा, डांस करेगा। एहे ओहो बल्ले बल्ले। चलो फ्रेंड्स, अब डांस तो इसने किया नहीं है, अपनी बात से झूठ बोल रहा है, मुकर गया। तुमने क्या नहीं तो गुड नाइट फ्रेंड्स, अब रात के बज चुके हैं 1:30 और अब सोने का टाइम हो गया है। इसको भी जाना है सुबह, इसकी फ्लाइट है, हो जाते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगे, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए गुड नाइट। तब तक सोए रहना सबने, तब तक ध्यान रखिए, सेफ रहिए, टेक केयर एंड गुड नाइट।